एक तरफ पूरे महाराष्ट्र में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विदर्भवादी संगठन की ओर से 1 मई को काला दिवस के रूप में मनाया गया। मृतक विदर्भ की मांग को लेकर विदर्भवादी संगठन की ओर से अन्याय निवारण समिति की अध्यक्ष ज्वाला ठोटे के नेतृत्व में शहीद चौक विदर्भ चंडिका मंदिर के सामने धरना दिया गया। इसी मांग को लेकर और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में काला दिवस मनाया गया। इस समय विदर्भ कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े और काली रिबन पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और पृथक विदर्भ के नारे लगाए गए। जांबोनराव धोटे यांनी केली होती आणि तेव्हा प्रतिज्ञा घेतली होती की जोपर्यंत वेगळा विदर्भ राज्य होणार नाही नागपूर राजधानी सकट तोपर्यंत आई चंडिकेच्या मूर्तीचं विसर्जन होणार नाही। आज आई चंडिका सुद्धा काळे वस्त्र घालणार आहे आणि विदर्भासाठी महाराष्ट्र दिनाचा निषेध करणार आहे। विदर्भाच्या युवकांसाठी, विदर्भाच्या शोषित शेतकऱ्यांसाठी, विदर्भाच्या कामगारांसाठी, विदर्भाच्या व्यापाऱ्यांसाठी आणि विदर्भाच्या जनतेला न्याय मिळायला पाहिजे म्हणून आज संपूर्ण विदर्भप्रेमी लोक, विदर्भवादी लोक 1 मे काळा दिवस म्हणून साजरा करत आहे। सातत्याने विदर्भावर अन्याय होत चालला आहे। विदर्भ हा मोठा कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।